नमस्कार, जरा हटके हिंदी में आपका स्वागत है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की कौन सी मूर्ति लाने से पूरी होती है मनोकामना? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं इस दिन कौन सी मूर्ति या चित्र लगाने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों की मूर्ति या तस्वीर लगाने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं, वे अपने हर रूप में लीलाएं करते हैं और लोगों का परिस्थिति के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही शिक्षा और ज्ञान भी देते हैं। उनके हर स्वरूप की अपनी अलग विशेषताएं हैं। वे अपनी मनमोहक छवि से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। भगवान कृष्ण माखन चोर भी हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, गोविंद भी हैं, अर्जुन के सारथी भी हैं और द्वारकाधीश भी हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 को है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कौन सी तस्वीर या मूर्ति लगाने से आपकी हर मनोकामना इच्छाएं पूरी होंगी? ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की फोटो या चित्र लगाने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। आइए आपको बताते हैं। पहला है लड्डू गोपाल। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा माखन चोर या लड्डू गोपाल के रूप में किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा बाल स्वरूप में करने से जल्दी संतान प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में लड्डू गोपाल की फोटो या मूर्ति लगाकर रोजाना पूजा अर्चना करें। दूसरा है माखन चोर। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में माखन चोरी करते खाते हैं। उनका ये रूप हर किसी के मन को खुश कर भर देता है। श्री कृष्ण की इस रूप की मूर्ति या चित्र लाकर पूजा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही हर काम में सफलता मिलते चली जाती है। अगला उनका रूप है मुरलीधर कृष्ण। ज्योतिष के अनुसार घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण की मुरलीधर के रूप में पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी समस्या जल्द ही दूर हो जाती है। अगला है राधा कृष्ण की फोटो। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई तनाव है तो आपको भगवान कृष्ण और राधा जी की तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्यार और मधुरता आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी अनंत प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन कर हर मुसीबत और परेशानी से निकाल कर सफलता दिलाई थी। उसी तरह घर में भगवान श्री कृष्ण के पार्थ के रूप में फोटो लगाने से हर परेशानी से निकलने की राह मिलती है, साथ ही सभी परेशानियां दूर होने लगती है। तो ये श्री कृष्ण के अलग अलग रूप हैं। इनके अलग अलग रूपों की तस्वीर या फोटो लगाने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।